अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेवन। हम लोगों का चैप्टर नंबर वन जो मिड टर्म का था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, वो हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसका काम भी मैंने आप लोगों को भेज दिया है। वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो इसका रिमेनिंग हाफ चैप्टर है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग पीछे अगर रिकॉल करते हैं, डाइजेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन होती है फूड की। रिस्पायरेशन और इसका एंड क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। रिस्पायरेशन भी इसके सिमिलर है, रिस्पायरेशन में भी एंड में हमें एनर्जी मिलती है और ये केमिकल प्रोसेस है रिस्पायरेशन। अब हम लोग ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन का डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीथिंग हमारे पास जस्ट मूवमेंट ऑफ एयर है, इसमें सिर्फ मूवमेंट ऑफ एयर होती है। लंग्स एयर लंग्स के अंदर आती है, लंग्स से बाहर जाती है, इसमें सिर्फ ये है। रिस्पायरेशन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग ये ऑक्सीजन कैसे बॉडी में एंटर हुई, सेल्स तक कैसे पहुंची, उसमें रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करती है और एनर्जी कैसे रिलीज़ करवाती है, फिर हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ होता है, ये पूरा रिस्पायरेशन में हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, रिस्पायरेशन की डेफिनेशन होती है। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जिस तरह हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि कोई उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड थे, इसी तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड हैं। ये हमें पता है कि किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जब बनता है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के वो सिस्टम बनाते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स हैं वो नोज़ है, विंड पाइप है, लंग्स हैं, ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स हैं। सबसे पहले नोज़, तो नोज़ जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो वो सबसे पहले नोज़ में एंटर होती है। नोज़ में अच्छा, हमारे पास जो एयर लंग्स में होती है वो क्लीन और मॉइस्ट होती है, तो वो क्लीन और मॉइस्ट कहाँ, नोज़ में ही हो जाती है। नोज़ में जो हमारे पास हेयर्स होते हैं वो, अगर एयर में हमारे पास कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उन्हें वो ट्रैप कर लेती है, यहीं पर नोज़ में ही वो डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं। इस तरीके से एयर हमारी क्लीन हो जाती है। और दूसरा, हमारे नोज़ में म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लिक्विड होता है। म्यूकस प्रेजेंट होता है जो लिक्विड होता है, वो एयर को मॉइस्ट कर देता है। इस तरीके से हमारी एयर मॉइस्ट भी हो जाती है और क्लीन भी हो जाती है। जब ये मॉइस्ट और क्लीन हो जाती है तो ये हमारे पास लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद नोज़ के बाद एयर लंग्स में कैसे ट्रांसफ़र होती है, नोज़ के बाद विंड पाइप में आती है। विंड पाइप हमारे पास एक पाइप होता है जो जिसमें कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास विंड पाइप है और इसमें जो ये रिंग्स नज़र आ रही हैं ये हैं कार्टिलेजियस रिंग्स। ये जो पाइप होता है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिड होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है। इस पाइप में हमारे पास टू टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होता है और दूसरा एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स का मैंने आपको यहाँ पे नोज़ में ही फंक्शन बता दिया था कि म्यूकस से क्या होता है, हमारे पास जो एयर होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। और सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, सीलिएटेड मतलब हेयर्स होते हैं, सीलिएटेड मतलब हेयर्स। तो ये जो हमारे पास सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आप जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स नोज़ में ट्रैप नहीं हो सकते, फिर वो यहाँ पे आके विंड पाइप में ट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास विंड पाइप से फिर एयर आ जाती है लंग्स में। लंग्स हमारे पास किससे प्रोटेक्ट हुआ होता है, रिब केज से। ये हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स के मिड में हमारे पास हार्ट होता है और हार्ट के दोनों साइड्स पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स किससे प्रोटेक्ट होते हैं, रिब केज से। अच्छा, ये लंग्स हमारे थॉरेक्स और एब्डोमेन को भी डिफरेंट सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं किससे, हमारे पास ये जो हमारे पास लंग्स का डोम शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। इस डायफ्राम की वजह से हमारे पास जो थॉरेक्स कैविटी है वो और जो एब्डोमिनल कैविटी है वो दोनों डिफरेंट अलग अलग हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास एयर एंटर हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, ये विंड पाइप से लंग्स में आई और लंग्स में ये ब्रोंक्यूल्स में फिर एंटर हो जाती है।
अच्छा, हम लोग ने क्या पढ़ा कि नोज़ में एयर आई, नोज़ से हमारे पास विंड पाइप में, विंड पाइप फिर यहाँ पे लंग्स में प्रेस आ जाते हैं, लंग्स में एयर आ गई और फिर हमारे पास लंग्स में ही ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास विंड पाइप ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास जो विंड पाइप है ये आके देखें यहाँ पे डिवाइड हो जाता है लंग्स में, इसी को हम लोग ब्रोंक्यूल कहते हैं। और इसमें भी हमारे पास छोटे छोटे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इन ब्रोंक्यूल्स में भी रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजियस इन नेचर होता है। और ये ब्रोंक्यूल्स मजीद डिवाइड, ये ब्रोंकाई मजीद डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, छोटी छोटी जो आपको वेंस नज़र आ रही हैं फिर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे हमारे पास एल्वियोलाई स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इस तरह ग्रेप्स की तरह के दिखते हैं ये। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आके ट्रैप हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और यहीं से हमारे पास फिर ये जो वेंस नज़र आ रही हैं ब्लड वेसल्स, इसमें ट्रांसपोर्ट हो के फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। एक दफ़ा फिर से पूरा प्रोसेस बता देती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक दफ़ा फिर से मैं बता देती हूँ कि हमारे पास जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो वो सबसे पहले नोज़ में आती है, नोज़ में आने के बाद ये क्लीन और मॉइस्ट हो जाती है। क्लीन कैसे होती है, हमारे नोज़ में हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सारे डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, और मॉइस हमारे नोज़ में ही एक म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि लिक्विड इन नेचर होता है, और तो यहाँ पे हमारे पास एयर मॉइस्ट हो जाती है। तो नोज़ में हमारे पास एयर क्लीन और मॉइस्ट हो जाती है, इसके बाद एयर हमारे पास लंग्स में ट्रांसफ़र होती है। लंग्स में ट्रांसफ़र होने से पहले एयर आती है विंड पाइप में जो कि कार्टिलेजियस इन नेचर होता है, रिंग्स बनी हुई होती हैं इसमें, ये इस तरीके की रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजियस होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है ये। यहाँ से हमारे पास ये लंग्स में फिर एंटर हो जाता है, ठीक है, विंड पाइप में, विंड पाइप हमारे पास लंग्स में एंटर होता है और फिर एयर भी साथ में लंग्स में आ जाती है। इसके बाद लंग्स का स्ट्रक्चर है कि लंग्स हमारे पास किससे प्रोटेक्ट हुआ हुआ होता है, लंग्स हमारे पास रिबकेज से प्रोटेक्ट हुआ हुआ होता है, और ये कहाँ, और ये हमारे पास थॉरेक्स कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को भी सेपरेट कर अलग अलग कर देता है किससे, इसके अंदर एक हमारे पास शीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम शीट, इससे फिर ये हमारे पास थॉरेक्स कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग कर देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है। इसके बाद हमारे पास एयर आ जाती है ब्रोंकाई में, ये जो हमारे पास विंड पाइप है ये लंग्स में आके डिवाइड हो जाता है, ये हमारे पास इस तरह से डिवाइड हो गया तो ये ब्रोंकाई में एयर आ गई, और फिर ब्रोंकाई से एयर हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में। ये जो ब्रोंकाई होता है ये भी कार्टिलेजियस इन नेचर होता है, इसमें भी ऐसी रिंग्स प्रेजेंट बनी हुई होती हैं, और ये ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड हो जाता है इन स्मॉल ब्रांचेस में, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में हमारे पास इस तरीके से एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रेप्स लाइक होते हैं, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर इसमें हमारे पास जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेंस और आर्टरीज, ब्लड फिर इसमें ट्रांसपोर्ट होके हमारे हार्ट में आ जाता है, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेट होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया।